Hi everyone, welcome back to my channel Uncovering Chemistry. So we are back with the bioorganic part. Already हमने complete कर लिया है hemoglobin, myoglobin, heme erythrin and hemocyanin. ठीक है, यहाँ तक ये topic with the questions and solution complete करवा दिए हैं. Link आपको description box में मिल जाएगा. तो आज जो हम topic start कर रहे हैं that is cytochromes. ठीक है, cytochromes के कुछ point हम देखते हैं. First is that they found in both the plants and animals, right? नेक्स्ट दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर. देखो इसका फंक्शन सबसे इनके जो फंक्शंस होते हैं उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं. फंक्शन पे, स्ट्रक्चर पे, इनके जो एक्टिव साइट है, यही जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या हो गया, दे आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर. ठीक है, अब तक हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन स्टोरेज पढ़ रहे थे, अभी हमारे पास आ गया फंक्शन इलेक्ट्रॉन कैरियर. नेक्स्ट है दे आर द हीम लाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, अब वो कैसे, देखो साइटोक्रोम के तीन टाइप है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी एंड द साइटोक्रोम सी. नेक्स्ट क्या है, दे आर सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन के ही सिमिलर हैं, बट क्या होते हैं इनके यहाँ पे सिक्स पोजीशन जो होती है हीमोग्लोबिन में, जो सिक्स पोजीशन थी दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द ओ टू. यहाँ पे क्या होता है, दैट सिक्स पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एस मिथियोनिन. एस मिथियोनिन के द्वारा जो होती है सिक्स पोजीशन ऑक्यूपाइड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट प्रिवेंट द ओ टू बाइंडिंग. डेफिनेटली इफ द सिक्स पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एस मिथियोनिन दैन ओ टू विल नॉट बाइंड. सो दिस विल प्रिवेंट द ओ टू बाइंडिंग एंड द सी ओ पॉइजनिंग. क्योंकि अगर ओ टू बाइंड नहीं कर सकता यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है सी ओ भी आके बाइंड नहीं कर पाता, तो वो सी ओ पॉइजनिंग से भी इसको प्रिवेंट करता है. सो नेक्स्ट कम्स द ऑर्डर फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल. तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है, कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है साइटोक्रोम ए का, देन सी का, देन बी का. ठीक है, इफ क्वेश्चन आस्क, ओके. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्लो. तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा, साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी टू ए टू ओ टू. ठीक है, तो ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है, बस बताई दिया कि सेम एज अ हीमोग्लोबिन है, बस के चेंजेस सिक्स पोजीशन पे. ओ टू नहीं लगानी, क्या लगानी है, एस मिथियोनिन लगानी है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तो इजी सा है हीमोग्लोबिन का, क्योंकि इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, याद हो गया होगा. अब क्या होता है कि साइटोक्रोम बी सी और ए तीनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, तभी हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो इनका डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जो ये पोरफायरिन रिंग है यहाँ पर, जो पायरोल रिंग है हमारी, और ये जो कनेक्टेड आपस में जो भी हमने स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में पढ़े हैं, तो ये जो पोरफायरिन रिंग है, इसमें जो यहाँ पर रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होते हैं R1 R2, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होंगे, उन सब्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंस आएगा, कि यहाँ पे R1 R2 अलग अलग ग्रुप होंगे, बस इन डिफरेंस के बेसिस पे हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग है, मतलब तीनों में क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है रिंग्स पे, ये डिफरेंट है, इसीलिए तीनों क्या हो गए, डिफरेंट. बस क्या होता है, जो साइटोक्रोम बी है वो सिमिलर है हीमोग्लोबिन के, उसका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के सिमिलर है. इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा साइटोक्रोम सिमिलर है टू द हीमोग्लोबिन. ठीक है, दैट इज़ अ साइटोक्रोम बी. बाकी इसका स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी, जस्ट सिक्स पोजीशन पे ओ टू हटा के क्या लगाना है, एस मिथियोनिन. नेक्स्ट इसके अंदर आता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक. अब देखो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहाँ प्रेजेंट होता है, टू द इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, दिस इज़ द टर्मिनल मेंबर ऑफ द साइटोक्रोम चेन. जो ये भी साइटोक्रोम चेन है, इसका ये टर्मिनल मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके दो पार्ट्स हो गए, साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री, एंड दूसरा पार्ट हो गया जहाँ पे क्या कंटेन करता है, कॉपर टू, जिसके टू टाइप्स हैं, कॉपर ए एंड कॉपर बी. ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र था वो क्या था, बी सी ए. तो ये होता कैसे है, बी साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी, देन टू कॉपर ए एंड साइटोक्रोम ए. तो इसमें क्या हुआ, मतलब कि कॉपर ए एंड साइटोक्रोम ए, ये दोनों तो कहाँ इन्वॉल्व हो गए, टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ठीक है, इनका फंक्शन हो गया, बच क्या गया, साइटोक्रोम बी एंड द ए थ्री. तो इन दोनों का काम क्या होता है, दे आर द साइट फॉर द ओ टू बाइंडिंग. मतलब ये क्या करते हैं, ओ टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, एच टू ओ में. तो दीज टू आर द साइट फॉर द ओ टू बाइंडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पे ज़रूर आ सकते हैं कि विच आर द साइट फॉर द ओ टू बाइंडिंग, दैट इज़ आर द कॉपर बी एंड द साइटोक्रोम ए थ्री. ठीक है, उसके बाद हम इसके रिएक्शन देखेंगे, तो हो जाएगा साइटोक्रोम सी चार्ज प्लस टू ओ टू प्लस एट एच पॉजिटिव कहाँ है, इनसाइड, दैट गिव्स साइटोक्रोम सी प्लस थ्री एच टू ओ एट द ओ टू साइड बाइंडिंग एंड फोर एच पॉजिटिव आउटसाइड. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज.
सो नेक्स्ट कम्स द साइटोक्रोम P450। अच्छा एक चीज़ और बता दो, जो साइटोक्रोम सी हमने पढ़ा है उसमें अगर आप एक्टिव साइट पूछोगे तो वो Fe2 ही है, सेम एज द हीमोग्लोबिन जो हमने पढ़ा है, Fe2 हाई स्पिन, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें ऐड होता नहीं है। चलो साइटोक्रोम P450 में क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम्स फाउंड इन द प्लांट एनिमल्स एंड द बैक्टीरिया। इसका नेम साइटोक्रोम P450 क्यों पड़ा है, बिकॉज इट इज़ नेम इज़ अ पिगमेंट दैट अब्जॉर्ब एट द 450 नैनोमीटर, राइट। नेक्स्ट इज इसके अंदर क्या होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स फंक्शनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द क्लीवेज ऑफ O2 अकर्स। साइटोक्रोम में हमने पढ़ा है कि वहाँ पे फंक्शनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यहाँ पे फंक्शनिंग क्या है, क्लीवेज ऑफ द O2। इनके फंक्शंस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं टू सेलेक्ट द ऑप्शन मोर देन वन, तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली फंक्शन बेसिस पे ही होते हैं। तो प्लीज़ जो भी आप पढ़ रहे हो इनके फंक्शन ज़रूर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इन पे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। सो इसका फंक्शन क्या है, क्लीवेज ऑफ द O2 अकर्स, मतलब क्या होता है कि जो O2 है उसको क्लीव करके सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और वो जो सिंगल ऑक्सीजन का काम क्या है उसको क्या करता है, सबस्ट्रेट में इंसर्ट कर देता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, मोनो ऑक्सीजनेज इसका फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इंसर्शन ऑफ द वन ऑक्सीजन इन टू द सबस्ट्रेट। हाँ जी, तो साइटोक्रोम P40 का जो फंक्शन है बता आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका फंक्शन, कि इट एक्ट एज अ मोनोऑक्सीजिनेज, मतलब कि क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है एक ऑक्सीजन। मोनोऑक्सीजिनेज का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया टू द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो क्या है, कैसे होएगा कि जैसे ये हमारे पास सब्सट्रेट गिवन है, टू द सब्सट्रेट, नॉट द ओनली हाइड्रोकार्बन, टू द सब्सट्रेट यानी सब्सट्रेट, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास फर्स्ट सब्सट्रेट गिवन है, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन ब्रेक होएगा और एक ऑक्सीजन जाके इनके बीच में इंसर्ट हो जाएगा लाइक दैट, ठीक है। तो उसके फंक्शनिंग देख लेते हैं कुछ हम, कन्वर्जन ऑफ द हाइड्रोकार्बन RH टू द ROH, ठीक है। क्या करेगा, RH को किस में कन्वर्ट कर देगा, ROH में। रिएक्शन क्या होगी, RH प्लस O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हम लेंगे, साइटोक्रोम P40 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ROH प्लस H2O। नेक्स्ट इज़ द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है ये इनकी, इस पर ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं कि जो एल्डिहाइड आप ये कहाँ इंसर्ट हो सकता है ऑक्सीजन, इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या इंसर्ट हो जाए ऑक्सीजन, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, फ्रॉम एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू इपोक्साइड, जैसे ही एल्कीन है अगर हम यहाँ पे इनके बीच में क्या ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं, एक ऑक्सीजन, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इपोक्साइड में। तो ये कुछ फंक्शंस हैं टू द साइटोक्रोम P40। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में कि जहाँ पे भी मोनोऑक्सीजिनेज हो रहा होगा ना, जहाँ पे भी वो फंक्शन होगा किसका, साइटोक्रोम P450 का। अब फंक्शन हो गया तो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी एक्टिव साइट। देखो सारे क्वेश्चन इन्हीं पे ही बने, अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो बायनोगेनिक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका एक्टिव साइट क्या है, Fe3 लो स्पिन। यहाँ पे ना मैंने दो स्ट्रक्चर बना दिया, एक है साइटोक्रोम P450 का और यहाँ पे साइटोक्रोम सी का हमने दोबारा से एक बार स्ट्रक्चर बनाया ताकि हम इसकी एक्टिव साइट समझ सके। Fe2 मैंने भी बताया था, शायद आपको गलती से हाई स्पिन बोल दिया था, वो हाई स्पिन या ये भी क्या है, लो स्पिन है। तो पहले इसकी देखते हैं P40 की, साइटोक्रोम P40 की एक्टिव साइट है Fe3 लो स्पिन एंड इट इज़ अ ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर भी पूछते हैं बहुत बार, स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आगे आगे आप देखोगे और जैसे जैसे हम बाकी कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर सारे ऑक्टाहेड्रल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द S16। तो फिफ्थ पोजीशन होगी वो S16 से ऑक्यूपाइड एंड सिक्स पोजीशन विद द H2O, पर इसमें भी क्या है, हीम ग्रुप प्रेजेंट है और साइटोक्रोम सी में भी हीम ग्रुप प्रेजेंट था। अब दोनों के स्ट्रक्चर में हम कंपेयर करेंगे ताकि हमें याद रहें, क्योंकि मोस्टली कंपेरिजन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो हमें फिफ्थ और सिक्स पोजीशन में डिफरेंस पता चल गया, यहाँ पे तो सेम था प्रोटीन चेन हीमोग्लोबिन की तरह ही, बस सिक्स पोजीशन पे क्या था, O2 नहीं प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, एस मिथियोनिन। यहाँ पे क्या है, फिफ्थ और सिक्स दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है और यहाँ पे S16 है, नॉट द मिथियोनिन, और सिक्स पे क्या है H2O, ठीक है, हीम ग्रुप दोनों में सेम है। उसके बाद क्या हुआ, ये Fe3 एक्टिव साइट होगी, इसकी एक्टिव साइट क्या थी, Fe2, दोनों ही क्या है, लो स्पिन है। उसके बाद क्या है, Fe3 मतलब T2G5 क्यों, क्योंकि ये लो स्पिन है, पेयरिंग होगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक है जी, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट इसमें आती है कैटालिटिक साइकिल, ठीक है। कैटालिटिक साइकिल में क्या है, देखो स्टार्ट कहाँ से है, ये इधर से, विद द स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोक्रोम P40। हीम ग्रुप में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो ये चार बॉन्ड तो एज इट इज आएंगे और एस
जो है S16 ये भी सेम रहेगा। तो ये फाइव जो बोन्ड है इनको तो छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, जो भी सारा चेंज आएगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये अपना स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या हुआ कि आर एच ने किसको रिप्लेस कर दिया, H2, मतलब H2 की जब क्या आ गया, आर एच सबस्ट्रेट आके ऐड हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही चल रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2, राइट, और अभी तक एज इट इज़ है। उसके बाद क्या हुआ, O2 ऐड हुआ तो देखो इसको हमने कैसे लिख दिया, F3OO-। देखो क्यों लिख दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 थी, ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों क्या क्या हुआ कि हम इसको और इसको, ये दोनों सेम ही है, इसका मतलब तो क्या है, Fe की ऑक्सीडेशन +2 है और यहाँ पे Fe ने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है O2 को, यहाँ पे क्या हुआ, Fe ने अपना एक इलेक्ट्रॉन O2 को डोनेट कर दिया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज, अगर इस पर क्या आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया 3। ठीक है, कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हो। O2 ऐड होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और क्या हुआ, इस O2 ने बॉन्ड कर लिया किसके साथ, इस Fe के साथ, राइट, और RH अभी भी एज इट इज़ है। देखो काफ़ी सारे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बन चुके हैं, अब 6 से ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक चेंज आया 2H+ to H2O, तो उससे क्या हुआ, बॉन्ड टूट के इस तरह से बन गया, दैट इज़ Fe डबल बॉन्ड O RH, ये चार पांच बॉन्ड तो बिल्कुल चेंज करने नहीं थे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 5। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट काम क्या रह जाएगा, जो ये ROH है, देखो ये बन गया इधर, तो इसको हमने एलिमिनेट करवाना है ROH को, एंड किससे रिप्लेस कर देना, विद द H2, तो ये हट के क्या आ जाएगा, H2 अगेन, जो कि स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था। तो ये इसकी पूरी कैटालिटिक साइकिल इस तरह से ये फंक्शन करता है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये आनी चाहिए, बहुत इजी सी है, बस क्या करना है, पहले RH ऐड करो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, O2 ऐड करना है, बॉन्ड बनाना है, सिर्फ एक ही स्टेप करना है, और देन ROH को एलिमिनेट करवा के वापस अगेन H2O स्टार्टिंग मटेरियल में ले आना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कैटालाइजेस एंड द परोक्सीडेजेस। तो सबसे पहले हम इनकी फंक्शनिंग देखते हैं। परोक्सीडेज इज द हीम प्रोटीन कैटालाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सब्सट्रेट बाय द H2O2। नेक्स्ट इज कैटालाइजेस कैटालाइज द डिसप्रोपोर्शन ऑफ द H2O2 एंड आल्सो कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2। ये इनकी फंक्शनिंग है। इसके बाद क्या होता है, इनका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट है, इनमें हीम ग्रुप प्रेजेंट है, तो दीज आर द हीम प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द Fe3, इसकी जो एक्टिव साइट है वो क्या है, Fe3 हाई स्पिन, नोट द लो स्पिन, हाई स्पिन Fe3 इज इट्स एक्टिव साइट। अभी तक जो हम साइटोक्रोम पढ़ रहे थे वहाँ पे एक्टिव साइट क्या आ रही थी, इन द लो स्पिन, अब इनकी एक्टिव साइट आ गई Fe3 इन द हाई स्पिन। हाँ जी, तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, देखो बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है स्ट्रक्चर में, तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये, और इनके फंक्शनिंग में, इनके एक्टिव साइट, हाई स्पिन, लो स्पिन, इनमें बहुत कंफ्यूजन है, तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इनके ऊपर। तो देखो फंक्शन में क्या, Fe3 हो गया एक तो, बट इसमें क्या, Fe3 हाई स्पिन है, नोट द लो स्पिन, तो ये हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, T2G3Eg2। ठीक है, ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्या होएगा, इसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एनहिस्टिडीन ही प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई सल्फर नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, 6 पोजीशन पे H2O। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। लास्टली इसकी रिएक्शन है जो हमने डिस्कस करनी है, ये हम लिया कैटालिसिस, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, H2+O2। तो क्या हुआ, देखो जो Fe था उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना इंक्रीज आया, 1 का, साथ ही साथ जो हमारी रिंग थी पोरफायर रिंग, उस पर भी क्या आया, 1+ चार्ज, उसमें भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1, मतलब एक 1+ चार्ज बढ़ गया। ठीक है, प्लस क्या हुआ है, Fe डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बना है, प्लस था H2O। नेक्स्ट क्या हुआ, इस देखो इसी को ही हमने ऐसे लिखा हुआ है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, प्लस H2O2, ये क्या हुआ, अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, जो हमने स्टार्टिंग में कंपाउंड लिया था, +O2+H2O। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Pfe3 whole plus 1 2H2O2 Pfe3 plus 1 H2O। तो ये इसके ओवरऑल रिएक्शन, इसका काम क्या है, इसको कैटलाइज करने का। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लो इसके अंदर, कि इसके अंदर जो मेटल है वो भी +1 चार्ज से ऑक्सीडाइज हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हो रही है, और जो रिंग है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हो रही है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +1 बढ़ रही है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। Fe3 से 4 जा रहा है, वो भी उसके ऊपर भी +1 चार्ज की इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटलाइज परोक्सीडेज,
एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे. ओके, इट्स आई थिंक 1 AM, नॉट अ डे. इट्स बेटर टू से अ गुड नाइट, बट जब तक आप वीडियो देखेंगे शायद डे हो चुका होगा. सो हैव अ गुड डे टू. थैंक यू.